नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने एक बाइकर्स गैंग को गिरफ्तार किया है जो राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीन कर भाग जाते थे। सभी आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इंदौर में लगातार कई इलाकों में मोबाइल लूट की घटना करने वाले बाइकर्स गैंग को विजयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दर्जन भर मोबाइल सहित दो बाइक बरामद हुई हैं। आरोपियों ने शहर के अलग अलग इलाकों में कई घटनाओं को अंजाम दिया था। घटना के बाद ये इतनी तेजी से बाइक लेकर भागते थे कि सड़कों पर दिखाई नहीं देते थे। आरोपी नशा करने के लिए मोबाइल लूटते थे और उसे तुरंत किसी भी दुकान पर बेचकर ब्राउन शुगर, गांजा जैसे मादक पदार्थ खरीद कर नशा करते थे। आरोपियों पर इंदौर के अलग अलग थानों में कई अपराध दर्ज हैं। दरअसल आईजी हरिनारायण चौरी मिश्र और डीआईजी मनीष कपूरिया के निर्देश पर बाइकर्स को पकड़ने के लिए थाने की एक खुफिया टीम तैयार की थी। सभी जवानों को पल्सर 180 सीसी गाड़ियों पर गश्त करने के लिए कहा था, जिससे कि वारदात के बाद जैसे ही आरोपी की सूचना मिले तुरंत टीम बाइक से इनका पीछा कर आरोपियों को पकड़ सके। विजयनगर थाने की टीम को देर रात शहर के कई इलाकों में सक्रिय किया गया। थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार विजयनगर के 74 व 54 नंबर स्कीम में बुधवार को सूचना मिली कि बाइक पर तेज गति से आए बदमाश अज्ञात व्यक्ति का मोबाइल लेकर भागे हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपने पुलिस बाइकर्स को तुरंत सेट पर सूचना दी, जिसके बाद सभी पुलिसकर्मियों ने इलाके को घेरना शुरू किया और पुलिस के सभी जवानों ने लगभग 1 किलोमीटर पीछा कर लोकेश, राज व शुभम को गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल पार्टी लगाई गई थी कुछ इस प्रकार की सिविल में कि जो बाइकर्स लोग मोबाइल पर अगर स्नेचिंग करते हैं उनको पकड़ने के लिए, इसमें सफलता मिली पुलिस को और 4 ऐसे युवकों को पकड़ा है जो बाइक पर तेज़ी से आते थे और झपट्टा मारकर मोबाइल छुड़ा जाते थे, उनको पकड़ा है और उनके पास से 12 मोबाइल बरामद किए गए हैं और उन्हें उन स्थानों पर ले जाया गया जहाँ पर उनने वारदातें की हैं। अभी और फरियादी आ रहे हैं सामने और उनको और वारदात तो खुलासा होने की संभावना है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।